गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम ग्लांड्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, जैसे हमने पिट्यूटरी ग्लांड्स पढ़ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लांड्स पढ़ ली थी। नेक्स्ट कौन सी है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो आपकी स्टमक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। स्टमक जो होता है वहाँ पे, तो पैनक्रियाज आर लोकेटेड बिलो द स्टमक, ठीक है, स्टमक के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज मीन्स ये क्या सिक्रेट करती है, आप सभी ने देखा होगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन मीन्स अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तो क्या होता है, इंसुलिन। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो ग्लूकाजोन, ठीक है। दो नाम आपको याद रखने हैं, इंसुलिन जब ब्लड का में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए और ग्लूकाजोन जब लेवल बढ़ जाए। तो सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज, इट्स सिक्रेट्स मीन्स क्या सिक्रेट करती है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकाजोन। तो इंसुलिन कब होगा, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ग्लूकाजोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन काज मीन्स अगर इंसुलिन की कमी होगी, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लांड्स। एड्रिनल ग्लांड्स क्या होती है, ये अपनी जो हार्ट बीट है, ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करके रखते हैं। तो इट्स सीक्रेट्स एड्रिनल दैट रेगुलेट द हार्ट बीट मीन्स हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है ओवेरीज। ओवेरी जो होती है वो आप सभी को पता है सिर्फ फीमेल के अंदर ही, ओवेरी भी एक प्रकार से ग्लैंड ही है, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, सिर्फ फीमेल के अंदर। तो दीज ग्लांड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। जैसे ये ओवेरी होगी तो फीमेल के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये कौन सा सिक्रेट करती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है जो एग को बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो देखो, दे सिक्रेट एस्ट्रोजन दैट हेल्प टू एग प्रोडक्शन, ठीक है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है और जो किस में मदद करता है, एग को फॉर्मेशन करने में। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल्स, और फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं उनको बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखो टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है सिर्फ मेल के अंदर प्रजेंट होता है, ओवेरीज फीमेल के अंदर, टेस्टिस मेल के अंदर। दीज ग्लांड्स आर प्रजेंट इन मेल्स। इसका काम क्या है, मेल के अंदर जो हार्मोन्स होता है वो टेस्ट्रोजन होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और मेल के अंदर टेस्ट्रोजन। तो ये टेस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो दे सीक्रेट टेस्ट्रोजन दैट हेल्प इन स्प्रम, क्योंकि मेल के अंदर स्प्रम बनते हैं, तो ये टेस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, मेल के अंदर पाया जाता है और ये स्प्रम बनाने में मदद करेगा। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन मेल्स, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है उनको बनाने में मदद करता है, ठीक है।